नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और उत्तर प्रदेश से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां लखनऊ से ये खबर है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। लोक भवन में आज 11 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है। मानसून सत्र के साथ 1 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे, गृह, औद्योगिक और अवस्थापन पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है आज, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। लोक भवन में आज 11 बजे बैठक की शुरुआत होनी है। राघवेंद्र पांडे जी उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, जाहिर है कैबिनेट बैठक कोई नॉर्मल है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो फैसले इनमें लिए जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो बदलाव को लेकर चर्चा की जाती है, समीक्षा की जाती है, आज वो कौन से अहम बिंदु होने वाले हैं? 11 बजे से जो बैठक होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि मीटिंग्स में बातचीत होगी, चर्चा होगी, और किन ऐसे अहम बिंदुओं पर फैसले भी हो सकते हैं? देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक है, कैबिनेट की बैठक है। लोक भवन में 11 बजे योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोनों उप मुख्यमंत्री प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम जो कैबिनेट के उनके जो सहयोगी लोग हैं वो सब वहां पर रहेंगे। अधिकारी भी वहां पर होते हैं, लेकिन जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें सिर्फ मंत्री ही और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही होते हैं। जो अधिकारी होते हैं वो अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ समझना होता है या बुलाया जाता है तो उनको बुलाया जाता है चेक करके। तो इस तरह से जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव आता है, लगभग वो प्रस्ताव हर मंत्रालय से आता है। जितने भी कैबिनेट जो मंत्री हैं अपने अपने मंत्रालय का कम से कम एक या दो प्रस्ताव तो जरूर रखते हैं, लेकिन उसकी वरीयता को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए, उसके बजट को देखते हुए, उसके समय सीमा को देखते हुए मुख्यमंत्री फैसला लेते हैं कि किस योजना को हम मंजूरी दें। मतलब वो कैबिनेट फैसला लेती है, क्योंकि हर चीज देखना पड़ता है ना कि हमारे पास पैसे कितने हैं और खर्च हमको कितना करना है। उस हिसाब से बजट, वो समझिए कि प्रदेश का बजट हो या घर का बजट, वो हिसाब से ही बनाया जाता है। अगर आपका हिसाब नहीं रहेगा तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो तमाम जो प्रस्ताव आते हैं तो उसको देखती है और समझती है, उसके बाद कौन से प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अन्य तरह के कोई अचानक जैसे कि इसमें बाढ़ की समस्याएं हैं तो बात को राहत देना है ना, उसके लिए भारी भरकम बजट चाहिए तो उस पर भी चर्चा होगा। कहीं सूखा पड़ गया है तो किसानों को राहत देनी है, वहां पर आपको मदद करनी है तो उसके लिए एक प्रस्ताव आना है। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि मानसून सत्र कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो उस जो विधानसभा का जो ये मानसून सत्र होगा उसके लिए भी यहाँ पर बातचीत होगी। क्योंकि जब ये मानसून सत्र होगा तो एक अनुपूरक बजट, यानी कि होता है क्या है, बीच बीच जैसे पिछला बजट आया था तो कुछ नई नई ऐसी योजनाएं हैं या अचानक कुछ ऐसे फंड खर्चे हो जाते हैं जो गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है नए बजट की, यानी कि कुछ योजनाएं कंटिन्यू हो रही हैं या उनका समय खत्म हो गया तो उसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे चीजों के लिए मानसून सत्र में अनुपूरक बजट आएगा जो आगे प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाओं को कंटिन्यू लगातार वो जारी रहे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ में ये जो जो ये कैबिनेट होती है, लगातार जो ये कैबिनेट बैठक होती है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और उसको मंजूरी मिलती है, तो अगर इन सब चीजों के लिए अगर विधानसभा में अगर कानून बनाना हो या उस विधेयक को पास कराना हो तो वहां पर ये जो विधानसभा जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब को देखते हुए आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लौटूंगी राघवेंद्र जी आपके पास। तो काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक भी होने वाली है, कई अहम मसले होंगे जिन पर चर्चा